हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इफनी डी टिक्स वेट रूथ ऑलवेज एक्सपोज डार्कनेस तो कैसे सब लोग आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर और आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से ठीक है मैंने यहाँ पे दो पाइल कर दिया है ठीक है दिस इज़ फॉर ए टू एम एंड दिस इज़ फॉर एन टू जेड आपको क्या करना है आपके पार्टनर का जो इनिशियल्स है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर ए ए टू एम एंड दिस इज फॉर ग्रुप नंबर बी एन टू से और यहाँ पे है अगर आप कार्ड के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहते हैं बाई पिक्चर दिस इज फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज फॉर ग्रुप नंबर बी ठीक है picture, B, तो दोनों कार्ड में से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं टाइमलेस है बट इट इज नॉट अ कलेक्टिव रीडिंग ठीक है दिस इज एन इंडिविजुअल ग्रुप रीडिंग ठीक है सो ऑफकोर्स इट इज़ द जनरल प्रडिक्शन मे रेजोनेट मे नॉट सो टेक इट वट एवर रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर द एनर्जी एक्सचेंज कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिएगा रीडिंग को और क्या क्या रिजोनेट हुआ है प्लीज बताइएगा ठीक है सो हम देखेंगे उनकी अटमोस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए क्या चाहते हैं वो आपसे एंड डेफिनेटली उनका इरादा क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा ओके सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज विल स्टार्ट विद ग्रुप ए एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर ग्रुप नंबर बी हाय हेलो ग्रुप ए तो अगर आपके पार्टनर के इनिशियल्स है ए टू एम और अगर आपने पिक्चर सिलेक्ट किया है सो ऑफकोर्स दिस रीडिंग इज फॉर यू हम्म इस कार्ड को हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं पहले हम टेरो से देख लेते हैं एंड डेफिनेटली हम एक ओरगल कार्ड से भी एक्सप्लेनेशन करेंगे ओके सो लेट्स फाइंड आउट गाइज सो एंड गाइड कि मेरे जो व्यूअर्स है ना उनके पार्टनर्स ग्रुप नंबर ए उनके पार्टनर्स जो है मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं जिनके पार्टनर का इनिशियल्स है ए से एम तक उनके पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं फॉर ग्रुप नंबर ए सो लेट्स सी लेट फाइंड आउट ओके सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है टावर ओके सेकेंड कार्ड हमारे पास आ चुका है किंग ऑफ पेंटेगल्स ठीक है थर्ड कार्ड हमारे पास आ चुका है लवर्स फोर्थ कार्ड हमारे पास आ चुका है नाइट ऑफ वैम्स बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ चुका है क्वीन ऑफ पेंटेगल्स ओके okay, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि आप दोनों ही हो सकते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन या आपके सेवेंथ हाउस नाइन्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में हो सकता है इलेवेंथ हाउस में हो सकता है ओके okay, तो यहाँ पे है जमनाय मिथुन राशि यहाँ पे है मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है रीस लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि और यहाँ पे आई डू फाइंड की आज आपने जो ये कार्ड सेलेक्ट किया है इसमें ये इंसान की एक नेचर मैं आपको बता देती हूँ ये हमेशा ही ना बहुत ज़्यादा ग्लो करते हैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने प्रोफेशन में अपने करियर में ये बहुत ज़्यादा चमकते हैं और इनसे बहुत लोग आकर्षित होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग सोल है ये ठीक है और बिल्कुल भी लोगों को ऐसा नहीं लेते हैं हल्के में हमेशा सीरियसली लिया है लोगों को लोगों का इरादा बहुत अच्छे से समझते हैं और इस रिलेशनशिप में जैसे नाइट ऑफ एंड पैशन की एक कार्ड है आपके लिए ये पर्सन हंड्रेड सौ प्रतिशत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश कर ही रहे हैं और आपको जो प्यार करते हैं दिस इज लाइक द आउट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है like world, और आई डू फाइंड कि यू वो तक कनेक्टेड टू ईच अदर सिर्फ एक जन्म नहीं बहुत जन्मों तक आपका कनेक्शन है ओके आपके पर्सन अगर मेल है मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ ताकि आपको पता चले एकदम ब्लैक डार्क ब्लैक हेयर या ब्लाउ हेयर हो सकता है फीमेल है तो ब्लाउ लाइट ब्राउन और आई डू फाइंड कि इंसान पैसों के मामले में बहुत ही ज़्यादा कॉशस है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है मेटेरियलिस्टिक है देखो अगर हम बताएं कि ये इंसान आपके लिए क्या सोचते हैं हंड्रेड परसेंट यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है एक बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप या ऐसा कुछ एहसास के बाद कि पैरों तले जमीन खिसक जाए आग लग रहा है डिस्ट्राक्शन ऑफ द रिलेशनशिप इसके बाद ये इंसान एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं दे वॉन्ट टू बी ओके इन अ सीरियस रिलेशनशिप विथ यू ये महसूस होता है कोर्स जिस तरह से आप देखो यहाँ पे ये इसको पकड़ रही है और ये भी उतना ही बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ ये इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं सो दे वांट डीप कनेक्शन विद यू सुपरफिशियल लेवल पे नहीं ठीक है एकदम सरफेस लेवल पे नहीं कनेक्शन को चाहते हैं उस कनेक्शन को चाहते जहां पे पूर्णता आए कंप्लीटनेस आए हम्म hmm. इन्होंने अपना गलती जो है रियलाइज कर लिया है आर नाउ हैविंग वेरी हम्बल एटीट्यूड अगर वो आपको बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे थे ठीक है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इट्स नॉट नॉट नाउ मोर अगर आप इनके साथ कनेक्टेड हो या नहीं भी कनेक्टेड हो ये इंसान अपनी गलतियों का एहसास कर चुके हैं और दूसरा चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिस तरह से वो पहले बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हुआ करते थे ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि आप भी कम मटेरियलिस्टिक नहीं हो आप भी अपना करियर के लिए बहुत कुछ कर रहे हो आप भी शान और शौकत की जिंदगी चाहते हो आप भी चाहते हो पैसा कमाना इनकम करना ठीक है एंड डेफिनेटली आई डिफाइन कि उनको ये भी पता है कि आप आ, कम में एग्री नहीं करोगे अगर उन्होंने आपको कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं या कुछ साल के बाद शादी करते हैं पहले हम लोग एक साथ हो जाते हैं पहले हम सेक्शुअल कनेक्शन करते हैं देन वी विल बी टुगेदर इट इज नॉट लाइक दैट आप एग्री नहीं करोगे ये उनको बहुत अच्छे से पता है ठीक है सो दे आर ट्राइंग टू रीबिल्ड द कनेक्शन सो कनेक्शन क्या होता है कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं बहुत ही ट्रस्टेड लॉयल पार्टनरशिप दुनिया में भी बिजनेस रिलेशनशिप हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो उसका ब्रेकअप हुआ है वाई इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्टेशन के वजह से शायद आपने इनके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशन कर लिया था और ये आपकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं हो पाए बहुत ज़्यादा आप क्लिंगी हो गए थे बहुत ज़्यादा आपका अटैचमेंट बढ़ गया था बहुत ज़्यादा आप उनको जकड़ना और पकड़ना शुरू किए थे इसलिए वो आपसे दूर चले गए क्योंकि उनको प्रिवेसी चाहिए था या उनका और जगह पे कोई अफेयर्स था रिलेशनशिप था सो दे वेर नॉट दैट मच ऑफ इंटरेस्टेड बट अभी मुझे दिख रहा है ठीक है अभी का जो सिचुएशन है ठीक है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सीरियसली दे आर इंटरेस्टेड अबाउट यू ओ माय गॉड मैं क्या कहूँ इसमें ठीक है आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये किसी को भी ठीक है आपके सामने जो भी है ठीक है उनको वो हटाने के लिए तैयार है दे कैन रिमूव एनी वन हु कम इन योर वे ठीक है तो जो भी आपके आ, मतलब सामने भी आने की कोशिश करेंगे उनको भगा देंगे ओके सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दूसरा चीज़ है यहाँ पे देखो ये आपको मानते हैं कि यू कैन मैनेज एवरी थिंग ठीक है आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं आप सब कुछ संभाल सकते हैं आप सब कुछ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आपकी जो सुंदरता है इट्स ऑफ द नेक्स्ट लेवल चाहे वो इनर ब्यूटी हो चाहे वो एक्सटर्नल ब्यूटी हो ठीक है उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेट मी सी कि वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं सो यू आर द आइडियल कपल ये ऐसा फील करते हैं कि यू आर द आइडियल कपल सी आपके पर्सन कोई बैंकिंग फाइनेंस कोई रियल एस्टेट ब्रोकर मे बी इन द सेल्स एंड मार्केटिंग मे बी एज अ फैशन डिजाइनर मे बी इट इज लाइक दैट दैट डे बिलोंग टू रॉयल फैमिली बहुत अच्छा खानदान से बिलोंग करते हैं मे बी और हम्म hmm. इनका पहले बहुत सारे ब्रेकअप्स रहे होंगे बहुत सारे आई आई डू थिंग्स और इनको बहुत ज़्यादा दूसरे सेक्स के ऊपर मतलब अगर ये मेल है फीमेल फीमेल है तो मेल उनके ऊपर उनका आकर्षण बढ़ता है हाँ, okay, वली फ्लर्ट करेंगे या फिजिकल होंगे बट कमिटमेंट शायद वो कम ही लोगों को दिए हैं या नहीं देते इतना जल्द से जल्द कमिटमेंट नहीं देते हैं बट आपको तो वो देना चाहते हैं सो लेट मी सी देर नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट एक्शन उनका क्या है ओके okay? सो so, डेविल <laughs> यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड और यहाँ पे है टेम्परस मैंने वही कहा ये मिलन कहाज ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द यूनियन द हारमनी ठीक है एक साथ आना फिर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बैलेंस करना कम्युनिकेशन में आना आपके साथ यही चाहते हैं फोर्टीन नंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड फिफ्टीन दैट इज सिक्स एंड फाइव कैन बी इम्पोर्टेंट सारे टॉक्सिक कनेक्शन से नेगेटिव कनेक्शन से निकल के सीरियसली इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली आप भी यही चाहते हैं एट एनी कॉस्ट यू ऑल्सो वांट दैट कि ये कोई गंदगी से बाहर निकल के आपको आके कमिटमेंट दे कोई ना वैंस इज अ कार्ड जहाँ पे सीरियस बहुत ज़्यादा सिंसियर ठीक है और बहुत ज्यादा अगर उन्होंने गलती भी किया है तो माफी मांगने के लिए भी तैयार है सो दिस इज दैट सो लेट मी सी अबाउट दे आर एडवाइस फॉर यू मुझे देखना है आपके लिए क्या है? So आपके लिए क्या एडवाइस है रेसिलियंस ठीक है ट्वेंटी वन नंबर आप बहुत ज्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं अननेसेसरी सोच रहे है बहुत ज्यादा दिमाग पे आपके जो है ना बहुत लोडेड रखे हो अपने आपको ठीक है अपने बार्डन को हल्का करो और अपने आप को टेंशन फ्री रखो स्पिरिचुअल इज बींग ऑलवेज टेंशन फ्री मेकिंग और लाइफ वेरी सिंपल ठीक है इतना कॉम्प्लिकेटेड खुद के जीवन को मत बनाओ किसी के लिए इतना भी ज़्यादा ठीक है बोझ तले दब मत जाओ कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा चुकाना पड़े नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रेस्पेक्ट यू शुड कंटिन्यू आर रिलेशनशिप ये भी बोला जा रहा है कि आपको कोई भी संबंध कंटिन्यू करना नहीं है एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक है और लोग अगर ये आपको आपसे फ़ायदा उठाते हैं बिकॉज देखो रीडिंग्स में ऐसा ही होता है कि कुछ एडवाइजेस हमें देने पड़ते हैं ताकि व्यूअर्स जो है वो सही राह पे चले अगर वो आपको अननेसरी आपसे ड्यू एडवांटेज ले रहे हैं एक्सप्लॉयड कर रहे हैं तो आपको इस रिलेशनशिप को वहीं रोक देना है आगे नहीं बढ़ना है एंड यू शुड नॉट करियर अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो भी आप इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो के तो आप उनका सारे काम कर रहे हो ऐसा नहीं करना है ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर ग्रुप ए हम बढ़ेंगे फॉर ग्रुप नंबर बी और अगर आपने ग्रुप नम्बर बी भी सिलेक्ट किया है सो प्लीज़ वेट फॉर द रीडिंग आई एल जस्ट मेक श्योर कि आपको सही इंफॉर्मेशन पहुँचे सो hmm. so, सो हाई हेलो ग्रुप नंबर बी तो अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है या अगर आपके पार्टनर्स के इनिशियल्स है एन से जेड के बीच में तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का आपके प्रति फीलिंग्स इस तरह से है कि आप ही उनकी ज़िंदगी को संभाल सकते हो यू आर वेरी मैजिकल टू देम आपसे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं एंड आप कोई भी मतलब सिंपल चीज़ों को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हो एंड डेफिनेटली आई डू फाइन की आपके नजरिया उनके नजरिया में काफी डिफरेंस हो सकता है बट फिर भी ठीक है आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी हो ठीक है अभी हम देख लेते हैं विदोकार्ड क्या हो रहा है सो ग्रुप नंबर पी के पार्टनर्स नंबर बी के व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं जिनके पार्टनर का इनिशियल एन इन से जेड के बीच में आता है वो क्या सोचते हैं डू दे थिंक ऑफ देन सो ग्रुप नंबर बी आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या सोचते हैं ओके सो फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ वैन एड लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनुराशि यहाँ पे फिर से एट है स्ट्रेंथ लियो सिंह राशि यहाँ पे है थ्री ऑफ वैंड फायर साइंस काफी इंपॉर्टेंट है मे भी आप दोनों ही फायर साइंस हैं एट ट्रिपल एट आ रहा है सो हो सकता है डबल एट ट्रिपल एट मे बी इंपॉर्टेंट एट सेवेंटीन ट्वेंटी सिक्स ओके कैन बी योर और योर पार्टनर्स डेट ऑफ बर्थ यह हो सकता है अगस्त में आप लोग मिले थे या एट कहीं ना कहीं पे भी हो सकता है कि सैटर्न का नंबर है सो so बहुत डिले होता है आप दोनों की कनेक्शन में या बहुत लेट आप लोग मिले थे अपनी जिंदगी में हम्म, दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन यंग हो सकता है बहुत ज़्यादा मदरली नेचर हो सकता है विद अ इम्प्रेस कार्ड ओके ए सोवेंट्स बहुत ही पॉजिटिव सेवन ऑफ कप्स ओके सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बॉटम ऑल देख लेते हैं थ्री ऑफ एंट्स थ्री एंड एट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है लाइफ बट थ्री एट हो सकता है मार्च जुलाई जनवरी ऑगस्ट कैन बी इंपॉर्टेंट जब आपका कनेक्शन हुआ था इस तरह से कुछ हुआ होगा कि आप दोनों ही आउट ऑफ स्टेट थे या आप लोग अलग अलग शहर अलग अलग जगह पे आप उन लोग लोकेटेड थे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस था इसलिए आप दोनों एक दूसरे को समझ पाना बहुत ही मुश्किल था ठीक है अब दोनों का कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू हुआ था एंड कुछ लोगों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफिस में भी हो सकता है आपके बॉस थे या आप उनके बॉस रहे होंगे जब आप उनसे मिले मे बी आप, आप बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि आप जो भी व्यूअर्स हैं आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास था तो आपने उस ऑप्शन को इतना सीरियसली नहीं लिया ठीक है और दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी अगर हम फीलिंग्स बताएं आपके पर्सन की ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है ये इंसान एक फूल की तरह है काफ़ी मासूम बट ये इंसान के अंदर इतना शौर्य है मतलब ये इतना करेजियस है इतना ब्रेव है ये कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं फाइट कर सकते हैं ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स की फेवरेट है ठीक है कोई भी खूनखार जानवर से भी इनका लड़ने का क्षमता है बट अपने लाइफ में पर्सनल लाइफ में ये अपने आप को सही नहीं रख पाते सो दे मे बी फेलियर ओके ऐट द यू कैन से दैट इन देअर पर्सनल लाइफ बट दे आर सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशनल लाइफ ठीक है तो ये इंसान का फीलिंग्स इस तरह से है कि आप उनको जल्द से जल्द जितना हो सके आप उनको उनकी तरफ ध्यान दो अटेंशन दो बहुत अटेंशन सीकर है इन्होंने अपने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे है और ऐसा मानते हैं ठीक है कि आप उनको सिर्फ से सेव कर सकते हो आप उनको बचा सकते हो आप उनको रेस्क्यू कर सकते हो सब कुछ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता आपके लिए जिस तरह से कैन यू सी द फेशियल एक्सप्रेशन जैसे आपके लिए वो बैठे है कि कब आप उनकी ज़िंदगी में आओगे और उनको वो रेस्पे मतलब वो उनका जो हक है आप उनको दिलाओगे है आप उनको कब कमिटमेंट दोगे कब आप उनके साथ एंगेज होंगे कब आप उनके लिए फ्यूचर के लिए आप जैसे प्रतिबद्धता होता है वो आप कब दोगे वेन 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 ये इंसान जो भी है ठीक है बहुत ही ज़्यादा मदरली नेचर है किसी को भी अपना सकते हैं किसी को भी और लोगों का फॉल्ट जो है कभी कभी भूल जाते हैं माफ़ कर देते हैं बहुत ही शानदार जिंदगी जीते हैं एंड डेफिनेटली ऐसा मानते हैं कि जब तक आप नहीं हैं सो यहाँ पे एम्प्रेस है एम्पर नहीं है तो स्ट्रांग मैस्क्युल एनर्जी इज नीडेड इन द लाइफ में भी इनके ज़िंदगी में कोई हो सकता है कि भाई नहीं है या हो सकता है कि इनको सपोर्ट करने वाले कोई नहीं है या हो सकता है अभी एमप्रेस आप बोलोगे सपोर्ट करने के लिए तो बहुत ज़्यादा है वो तो प्रोफेशनल वो तो दिखाते बॉडी गार्ड्स तो होंगे सपोर्ट करने के लिए लेकिन मेंटल सपोर्ट नहीं है ओके बिकॉज द हजबेंड इज़ मिसिंग ठीक है यहाँ पे एम्पर कहाँ है एम्पर तो है ही नहीं ठीक है तो इस तरह से मुझे है, मैं यहाँ पे कार्ड को देख रही हूं सो so, हो सकता है कि आपके पास काफी ऑप्शन हो या आप ऐसा सोचते हैं कि इनके पास काफी ऑप्शन होंगे तो वो मुझे क्यों सिलेक्ट करेंगे बट ऐसा बिल्कुल नहीं है बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये चाहते हैं रिलेशनशिप को बिल्ड करना तोड़ना नहीं बिल्ड करना ठीक है ठीक है ऑफ ऑफकोर्स यही चाहते हैं एंड एंड डेफिनेटली दे आर वेरी डेडिकेटेड कमिटेड यू और चाहते हैं कि आप भी इनके तरफ और वो भी आपके तरफ डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ ही यहाँ पे मुझे होल सिनेरियो इसी तरह दिख रहा है इवन द पेज ऑफ पेंडिकल कार्ड भी एक सिंसियर कनेक्शन की तरफ मुझे इशारा कर रही है हो सकता है आप दोनों में एज डिफरेंस काफी ज्यादा हो मैं थोड़ा सा फिजिकल uh, फीचर्स uh, की बात कर देती हूँ बहुत ही फाइन आईब्रोज हो सकते हैं अगर ये फीमेल है तो बहुत ही फाइन आईब्रोज ठीक एक है एकदम दूसरा चीज है ब्लॉन्ड है लाइट ब्राउन है फूल पहनना उनको पसंद है एंड अगर ये मेल है तो काफ़ी मच्योर्ड है बियर्ड मस्टैच हो सकते हैं या बहुत ही यंग बॉय जैसे बॉय ठीक है टीन एजर लाइक ले, इट्स लाइक दैट तो दोनों में एज डिफरेंस बहुत होंगे ये इंसान ठीक है आपके पर्सन ऐसे सोचते हैं कि आप उनको सिलेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हो मे बी आप दूसरा ठीक है ऑप्शंस देख रहे हो टटोल रहे हो जब आपको फुर्सत मिल जाएगा तभी आप कनेक्ट करोगे वरना नहीं करोगे बट वो अगर आप उनकी ज़िंदगी में आओगे तो उनसे और खुश और कोई नहीं हो सकता हमेशा आपके भलाई के लिए ही सोचते जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के लिए सोचते हैं सो वट इज द फाइनल एक्शन फाइनल एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर के इतना कर्ज हम नहीं ले सकते यहाँ पे ले लेते सिक्स ऑफ कप्स बहुत याद कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ हो सकते है सेलिब्रेशन में हो सकता है लेकिन फिर भी वहाँ पे भी आप ही के बात को किया जा रहा है अपने फ्रेंड्स के सामने ओके okay. यादों में खोए है इंसान ग्रीन कलर का फेवरेट हो सकता है देखो टावर टावरियशन एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटेकल्स ये चाहते हैं फिर भी यहाँ पे भी देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है किंग ऑफ पेंटिकल्स तो है ही नहीं सो ब्रेकअप हो चुका है बहुत सारे लोगों का नो कॉन्टेक्ट में है एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं फिर भी आप लोग फील कर रहे हो पास्ट मेमोरीज मुझे दिखाई दे रहा है वो एक्शन लेना तो चाहते हैं मैंने आपको यही कहा हंड्रेड परसेंट दे वॉन्ट टू टेक एक्शन बट उनकी जो है ना इस तरह से है कि वो तो वो अगर एक्शन लेंगे तो आप क्या मान जाओगे आपको क्या पुरानी बातें सब कुछ याद है है या नहीं यही उनको उनको पूछना है आपसे कि आप क्या सारे मेमोरीज को भूल चुके हैं आप क्या सब कुछ विसर्जित कर चुके हैं आप सब कुछ क्या नष्ट हो चुका है फिर से क्या इमारत को नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा सकता वो यही सोचते हैं ठीक है और अगर आप कनेक्शन में हो तो ये डेफिनेटली सोचते हैं कि जो भी हुआ है ठीक है जो भी हुआ है उनके पास्ट लाइफ में दैट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ दिस एंड बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पे सेवन दैट इज चैरियट ओके सो दे वांट टू कम टुवर्ड्स चैरियट इज ऑलवेज अगर हम एक्शन की बात करें तो कार्ड हंड्रेड बोला जा रहा है यस द आंसर इज यस ठीक है ब्लैक हॉर्स एंड व्हाइट हॉर्स एंड विद द चैरियट इट इंडिकेट्स भले आप लोग डिफरेंट ओपिनियन के हो डिफरेंट बैकग्राउंड के हो डिफरेंट आप लोग का एटीट्यूड है एक दूसरे के साथ हमेशा फाइट करते हो बट फिर भी ये सब कुछ चीज मैनेज कर लेंगे ये एश्योरेंस आपको दे रहे हैं अभी हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है ठीक है व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू वट इज द गाइडेंस फॉर यू गाइज एक ही हम देंगे गाइडेंस यही है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो फलेगा वो बहुत ज्यादा उसमें फल की मिठाई में मि, 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 मिठास होगा सॉरी एंड डेफिनेटली इट विल कम इन टू फ्रूशन मतलब ये पूरी तरह से मच्योर होगा तब जाके ये सही होगा और तभी मधुमक्खी आएंगे आपके घर में मधुमक्खी आ सकते हैं और छोटी छोटी चिड़िया भी आ सकती है ओके और राइट सो दिस इज ऑल अबाउट फुल मून के टाइम पे हुँ? आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं और फुल मून में कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है देर इज अ पॉसिबिलिटी सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डे रीडिंग गाइज आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिफिनेटली डेयर इज व ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोज डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस थैंक यू गाइज एंड लव य लॉट एंड टेक केयर